हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो व्लॉग आधा था तो बस वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो अब डिनर में मैंने बनाया था रात को पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी के लिए जो भी सारी चीज़ें चाहिए तो बस वही है। ये मैंने लिया है टमाटर को पीस के और प्याज को पीस के, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ली है, और ये काजू की पेस्ट ली है और पनीर। तो चलिए जैसे बनाती हूँ वैसे दिखाती जाती हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला था। इसके बाद तड़का लगाने के लिए जीरा, और उसके बाद हींग डाली, और उसके बाद लहसुन डाल दी, और लहसुन थोड़ा हो गया उसके बाद तुरंत मैंने अदरक को भी डाल दिया, और अदरक का भी थोड़ा बहुत उसका जो कच्चापन होता है वो निकले तब तक ही उसे फ्राई करना है। और उसके बाद हमें तुरंत ही उसमें डाल देना है प्याज की जो पेस्ट बनाई है हमने, तो बस वही हमें ऐड कर देनी है। तो चलिए अब हम ऐड कर देंगे प्याज की पेस्ट को, और उसको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और इसे हमें थोड़ी देर पकाना है, और थोड़ी बहुत पक जाए मतलब तब उसमें हम डाल देंगे जो हरी मिर्च की पेस्ट है, तो वो उसके बाद हमें इसमें डाल देनी है। तो चलिए देखिए प्याज का जो कलर है वो भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च की पेस्ट, तो उसको भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे अब। और उसके बाद थोड़ा बहुत ब्राउन कलर जैसा आ जाए तो उसमें हम जो भी सारे ड्राई मसाले हैं तो वो सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है हल्दी, और उसके बाद मैं डालूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना है, क्योंकि हमें उसमें जो कलर है लाल वो भी अपनी जो सब्ज़ी है इसमें लाना है इसलिए। और उसके बाद मैं इसमें अब डालूँगी गर्म मसाला, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो गरम मसाला आप डाल दीजिए, और उसको बस सारे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो भी हमने मसाले डाले हैं तो बस वो थोड़े बहुत पक जाए तब तक इसे हमें पकाना है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो भी टमाटर है उसको, उसकी जो हमने पेस्ट बनाई है तो बस उसको ही हमें इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से पक गया है। जो प्याज है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, उसको हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। तो चलिए देखिए आप देख सकते हो उसमें से तेल भी छूट रहा है। तो चलिए अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर की जो पेस्ट हमने बनाई है मिक्सर में ग्राइंड करके, तो बस वही हमें डाल देनी है। तो ये मैंने इसमें डाल दी है, और बस इसको भी हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए टमाटर की जो पेस्ट है उसको डालने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद हम इसे पकने देंगे और ढक्कन ढक के पकाना है। अब हमें टमाटर की पेस्ट डालने के बाद हम सब्ज़ी को ढक्कन ढक के ही पकाएंगे, उससे पहले हम ढक्कन नहीं ढकेंगे, और उसके बाद ही ढकना है हमें। तो चलिए ये देखिए टमाटर हमें तब तक पकाना जब तक उसमें से जो ऑयल है वो निकलने लगे। तो ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे जो भी हमने काजू और जो मगजतरी के बीज बोलते हैं उसकी जो पेस्ट बनाई है, तो बस वही हमें ऐड करनी है। इससे जो काजू और वो उसकी जो पेस्ट डालते हैं उससे सब्ज़ी में जो टेस्ट है वो ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस हमें ऐड करना है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, लेकिन इसे डालने से ही सब्ज़ी का टेस्ट अच्छे बहुत ही बढ़िया मतलब कि आता है, इसलिए मैं तो बोलूँगी कि डालना ही चाहिए। तो चलिए और पंजाबी जो भी डिश है मोस्टली ऐसे ही बनाई जाती है। तो पनीर की सब्ज़ी में तो
डलता ही डलता है, क्योंकि तभी जो सब्ज़ी का जो रियल टेस्ट है वो आता है। तो जब तक जो काजू की जो हमने पेस्ट डाली थी वो अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक हमें पकाना है। और उसके बाद अगर आपको डालना है काजू वगैरह तो आप पहले ही पनीर जब फ्राई करोगे ना तभी काजू को भी फ्राई कर लीजिए। तो बस मैंने काजू को भी फ्राई कर लिया था और अभी मैंने डाला है। अगर आपको काजू नहीं डालने हैं यहाँ पर तो आप नहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो चलिए मैंने डालने थे तो मेरे डाल दिए हैं और बस अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम सब्ज़ी को पकने देंगे और उसके बाद जब हमें लगे कि तेल अब छूट गया है तो फिर हम इसे पानी डाल देंगे। पानी जो है वो आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हो, आपको ज़्यादा ग्रेवी अगर रखनी है पनीर की सब्ज़ी में तो आप ज़्यादा पानी डालिए, और अगर आपको कम ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है तो आप पानी को कम डालिए। तो मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था, आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। और उसके बाद पानी डालने के बाद अब इसमें हम सब्ज़ी में डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार जिस तरह का आपको नमक चाहिए सब्ज़ी में उतना आप डाल दीजिए। तो मैंने अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और बस इसे अब पका लेंगे अच्छी तरीके से। और अभी हम वापस से ढक्कन ढककर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। सब्ज़ी कोई भी हो हमें इतना अंदाज़ा तो आ ही जाता है कि अगर अब तेल वगैरह छूटने लगेगा तो नहीं इसके सब्ज़ी हो गई है। तो ये देखिए आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा कि जो तेल है सब्ज़ी में वो साइड में आपको दिख रहा होगा। तो बस अब सब्ज़ी रेडी हो गई है ऐसा हम समझ सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा देर नहीं लगेंगी अब। तो बस अभी मैंने यहाँ पे पनीर का जो मसाला आता है सब्ज़ी का तो बस वही डाला है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो मैंने पनीर को फ्राई करके रखा हुआ था तो बस वो पनीर मैंने अब सब्ज़ी में ऐड कर दिए है। पनीर को बहुत पहले नहीं डालना है, अगर ज़्यादा पहले आप डाल दोगे तो बोलते हैं ना टूटने जैसे लगते हैं पनीर, इसलिए जब हमारी सब्ज़ी होने को रेडी होती है तभी हमें पनीर को भी ऐड करना है, क्योंकि पनीर को मैंने तो पहले ही फ्राई कर लिया था इसलिए उसको कुछ ज़्यादा हमें पकाना है नहीं। तो ये देखिए पनीर भी मैंने डाल दिया है अब सब्ज़ी में और अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लिया है। और बस इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए ढक्कन ढकेंगे और पकने देंगे। और उसके बाद हम लास्ट में इसमें डाल देंगे मलाई, और अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप क्रीम डाल सकते हो, और दोनों में से कोई भी एक चीज़ डालनी चाहिए, या तो क्रीम डालिए या तो फिर हमारे घर में जो दूध की मलाई होती है बचती है तो बस वही मलाई आप ऐड कर दें, हो सके उतना आप फ्रेश मलाई डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस तब मेरे भी रखी हुई थी दूध की फ्रेश मलाई, तो बस मैं भी मलाई ही डालने वाली हूँ। तो चलिए अब मैं भी डाल देती हूँ, ये देखिए मैंने रखी थी फ्रेश वाली, तो ये एकदम फ्रेश मलाई है। तो बस मैंने मलाई भी ऐड कर दी है, अब मलाई बहुत पहले नहीं डाले नहीं तो वो दूध की जो फट जाता है ना उस तरीके का हो जाएगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए मलाई भी डाल दी है और अब इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए कलर भी बढ़िया हो गया है मलाई डालने के बाद, जो हम बाहर खाते हैं ना और होता है कलर, बस उसी तरीके का पूरा सब्ज़ी में कलर भी आया हुआ है, क्योंकि हमने काश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाला है, मलाई भी डाली है, काजू की पेस्ट वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, तो कलर भी बहुत ही बढ़िया वाला आया है। और सच बोलूँ ना तो सब्ज़ी भी बहुत ही मतलब कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई थी। तो चलिए बस अब इसे भी थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट जितना हम पकने देंगे।
तो बस अब लास्ट में मैंने सब्ज़ी में हरा धनिया भी डाल दिया है। हरा धनिया डालने से टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी हो गई है एकदम रेडी, और एकदम मस्त वाली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और अब इसके बाद मैं गूँध लूँगी आटा। तो ये देखिए आटा भी मैंने गूँध लिया था। तो बस अब मुझे बनानी है फटाफट से रोटियाँ। तो चलिए अब मैं फटाफट से रोटी बनाती जाऊँगी, और साथ ही में मैं अपने हस्बैंड से बात भी कर रही थी और रोटी अभी बनती जा रही थी मेरी। लास्ट में जो बर्तन है तो बस वो बर्तन मुझे घिसने हैं। तो बस अब वही मेरा एक काम रह गया है, और प्लेटफॉर्म वगैरह साफ करना।